अब 583 रुपए में मिलेगा, और कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात की जाए 256 रुपए ये सस्ता हुआ है। 1296 रुपए 50 पैसे की जगह अब 1040 रुपए 50 पैसे में ये सिलेंडर मिलेगा, और कहा जा रहा है कि 5 किलो एफटीएल के दाम भी 70 रुपए घटाए गए हैं। दीपक गोयल जी मेरे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, निश्चित रूप से जहां पर यह कहा जा रहा था कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक मंदी का शिकार भी हो रहे हैं सभी लोग, व्यापारिक गतिविधियां रुकी हुई हैं, घरेलू जो लोग हैं चूंकि सैलरी नहीं आ रही बहुत लोगों की, अब इसमें कहा जा सकता है कि कम से कम घर के लिए बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। देखिए राहत, ये दूसरे महीने राहत की खबर है। लॉकडाउन के बीच में घरेलू सिलेंडर के जो दाम है 148 रुपए कम हुए हैं, वही जो कॉमर्शियल सिलेंडर है 256 रुपए ये सस्ता हुआ है। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर की जो खपत है वो अब ना के बराबर रह गई लॉकडाउन के बीच में। कॉमर्शियल सिलेंडर क्योंकि व्यवसायिक के काम आता है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की जो खपत है वो राजस्थान में आईयूसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की तीनों में मिला के 21% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि क्योंकि उज्ज्वला के जो उपभोक्ता थे उन्होंने सिलेंडर लेना शुरू कर दिया है, वहीं जो लोग घरों के अंदर है तो सबसे ज्यादा खपत एलपीजी की घरेलू सिलेंडर की होने लगी है। हालांकि पिछली बार जो दाम घटाए थे वो 61.50 रुपए और 216 रुपए घटाए थे, यानी कि 61.50 रुपए नॉन सब्सिडी घरेलू सिलेंडर के घटाए थे और 216 रुपए और कह सकते हैं कि 95 रुपए मतलब 95 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए थे। और वहीं आज यानी 1 मई से ये नई दरें लागू हो गई है, इसमें अब जो नॉन सब्सिडी घरेलू सिलेंडर है 831 रुपए की जगह 583 रुपए में मिलेगा, और जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो 1296.50 रुपए की जगह 1040.50 रुपए में मिलेगा। हालांकि जो सब्सिडी का जो अंतर है वो कम हो जाएगा, उपभोक्ताओं के खाते में जो मूल जो सिलेंडर की जो दर है, जो सब्सिडी का जो डिफरेंस का जो पैसा है वो उनके खातों में पहुंच जाएगा। लेकिन इस समय लॉकडाउन के बीच में, कोरोना के बीच में एक गैस एजेंसी और होकर को इस कड़ी मुश्किल के अंदर आम उपभोक्ता तक घरों के अंदर सिलेंडर पहुंचाना बड़ी बात है, क्योंकि सर्क्यूग्रस्त इलाके हैं, हर होकर है, हर उपभोक्ता तक जाता है। और जब 21% और अन्य लॉकडाउन से पहले और अब लॉकडाउन के बीच में जब 21% की खपत बढ़ जाती है, तो ऐसे में बड़ी चुनौती रहती है तेल कंपनियों के सामने की किस तरह से इस सप्लाई को सुचारू रूप से किया जाए। लेकिन फिर भी तेल कंपनियां, गैस एजेंसी संचालक और इसके साथ ही जो होकर है इस लॉकडाउन और कोरोना के महामारी के बीच में डटे हुए हैं और हर घर तक ये सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। तो यही कह सकते हैं कि अभी फिलहाल में ये दरें हैं वो नई दरें हैं वो लागू हो गई है, और उपभोक्ताओं के लिए राहत उन लोगों के लिए है ये, जो कि कह सकते हैं जिन्होंने जो कह सकते हैं जो कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल व्यवसायीकरण में करते हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत।